हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी टिप्स और ट्रिक्स ने इवान को कैसे पॉटी ट्रेन कराया और फाइनली इवान पी ट्रेन भी हो गया है। 1.5 ईयर्स की एज में 18 मंथ्स कंप्लीट होते ही इवान पी ट्रेन भी हो गया। वीडियो में मैं वो सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना। इवान पॉटी ट्रेन तो गाइस बिफोर 1 ही हो गया था, लेकिन जो पी ट्रेनिंग थी वो मैंने आफ्टर 1 इवान स्टार्ट की और इवान फाइनली अब पी ट्रेन भी हो गया। तो अब हमारा जो डाइपर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था हमें, तो वो अब हमें नहीं करना पड़ेगा। और काफ़ी हमने टेस्ट भी कर लिया कि अब कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, टच वुड। पी कर ले और पॉटी कर दे डाइपर में या फिर पजामे में। अभी माने 19 मंथ्स ओल्ड, तो लास्ट 1 मंथ से हम लोग देखते आ रहे हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे काफ़ी लोग टेक्स्ट कर रहे थे जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरी वीडियोज़ में, कि इवान को पॉटी ट्रेन कैसे, इवान कैसे बैठने लगा, सीट में कैसे बैठ जाती, इवान को कैसे ट्रेन किया, कुछ टिप्स बताना। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ वो सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपने बेबी को पॉटी ट्रेन कराने में अगर आप सोच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, फर्स्ट जो टिप, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे अपने बेबी को अभी डायपर फ्री रखना है। समर्स में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैंने भी जो इवान की पॉटी ट्रेनिंग थी वो समर्स में ही स्टार्ट की थी। इवान 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, 7 मंथ्स के बाद मैंने स्टार्ट की, क्योंकि इवान 6 मंथ्स में इवान ने अच्छे से बैठना विदाउट सपोर्ट स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 7 मंथ्स के बाद वो अच्छे से प्रॉपरली बैठने लग गया था, प्रॉपर बैठता था विदाउट सपोर्ट। उसके बाद मैंने एक पॉटी रिंग ली जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आपको भी परचेस करनी है तो वहां से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप अमेजोन में देख सकते हो। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मिल जाएंगी पॉटी ट्रेनिंग के लिए बेबी की पॉटी सीट्स, और फोल्डेबल भी होती हैं, पोर्टेबल भी मिल जाएगी अलग से पॉट। बट जो मैंने ली उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और मैंने इवान की जो पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वो मैंने 8 मंथ से स्टार्ट की, 7 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट की। तो उसमें इवान से बैठ भी जाता था अपनी सीट में, और मैंने कोई अलग से इवान के लिए पॉट नहीं लिया, बट ये कि मैंने एक पॉटी रिंग लिया जो कि मैं उसको भी हर जगह कैरी कर सकती हूँ और हमारी पॉटी सीट में बैठ के वो पॉटी करता है। 7 मंथ से क्या करता था, मॉर्निंग में ही वो अराउंड 6 वो उठता था और सिर्फ पूप के लिए उठता था, पॉटी के लिए। तो उसका प्रेशर बन जाता था जब ब्रेस्ट फीड लेता था। इवान जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, वैसे भी जब बच्चे सॉलिड्स लेना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे 2 टाइम पॉटी करते हैं, सुबह और शाम में, कई बार ज़्यादा बार भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इवान 2 टाइम्स तो करता था एक दिन में, तो 6 अराउंड उठता था तो हमें समझ में आ जाता था कि अब इसको पॉटी करनी है। तो उस टाइम पे वो छोटा था तो हम सोच रहे थे कि अभी से स्टार्ट करें या ना करें पॉटी ट्रेनिंग, तो हम काफ़ी कंफ्यूज थे। तो हमने क्या किया कि जब भी वो उठता था 6 अराउंड, तो वो सिर्फ नींद में ही उठता था, उसमें भी उसको पॉटी करनी होती थी, तो वो डायपर में नहीं करता था, वो क्रैंक उठ जाता था, काफ़ी रेस्टलेस हो जाता था। तो हमने 7 मंथ में हमने क्या किया, उसको जब वो उठता था मॉर्निंग में तो उसका डायपर निकाल देते थे और उसके लेग्स अप करके ऐसे हम उसे पॉटी कराते थे। तो मैंने यही ट्रिक फॉलो की स्टार्टिंग में 7 मंथ में, जब वो सुबह मॉर्निंग में उठता था और हमें पता चल गया, उसको ऑब्जर्व किया कि वो डायरेक्ट सुबह उठ रहा है सिर्फ पूप के लिए और उसके बाद वो सो जाता। मंथ तक उसको ऐसे लेग्स अप करके पॉटी कराई, डायपर में नहीं करता था, तो उसका डेली रूटीन हो गया था कि वो डेली मॉर्निंग में 6 अराउंड उठता था और वो सिर्फ पूप के लिए उठता। उस टाइम पे समर्स थी, समर्स में ही स्टार्ट किया, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है काफ़ी सारी उन्हें लेयर्स पहनानी होती है और हमें डर रहता है कि वेट हो जाएगा, ठंडा लग जाएगा, कैसे इतनी बार चेंज, बार बार पी कर देते हैं बच्चे। तो हमने क्या किया, समर्स के टाइम पे सुबह वो जब कहता था 6 अराउंड तो उठ जाता था, तो मैंने उसमें बैठा देती थी पॉटी रिंग जो ली थी उसी में फिक्स कर देती थी, जो हमारी पॉटी सीट है तो उसको बिठा देती थी। तो कभी ऐसा होता था कि वो कर देता था और समटाइम्स ऐसा होता था कभी नहीं करता था। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में वो डेली अपनी पॉटी सीट में बैठ के ही पॉटी करे, बट हमने उसके एक्सप्रेशंस जो होते थे, उसके साइंस जो, वो हमने रीड करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी का फेस काफ़ी अलग से एक्सप्रेशंस होते थे, प्रेशर रेड हो जाता था उसका, एकदम साइलेंट हो जाता था और रेड हो जाता था और काफ़ी प्रेशर लगाता था। तो हमें समझ आ गया कि अब इसने पॉटी करनी है। काफ़ी टाइम से कर रहा था, मॉर्निंग के टाइम पे ही कर रहा था, तो इवनिंग में भी करता था, बट इवनिंग में मैंने गाइस नहीं कराया उसको, मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया। तो मॉर्निंग में वो उठता था तो सबसे पहले मैं उसको पॉटी सीट में ही लेके गई उठ के, और स्टार्टिंग में वो कभी 2-3 दिन उसने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड, डेज के जो 3 डेज थे उसने डेली उसी में पॉटी की, बट धीरे धीरे उसने उसमें पॉटी करना बंद कर दिया। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छे से ये कर रहा था, अब क्या हो गया।
तो बट ये ज़रूरी नहीं है कि आज अगर कर रहे हैं तो कल भी बॉडी सीट में ही करें, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, तो काफ़ी टाइम लेता है और कई बच्चे बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं। तो मैं इवान का इन्फेंट की टाइम पे बता रही हूँ, बिफोर वन, तो 9th मंथ से क्या हुआ, हाँ 1 मंथ ऐसे ही चला, मैं डेली उसको बैठाती थी, तो 8th मंथ से मैंने स्टार्ट की और मुझे सक्सेस मिली आफ्टर अ मंथ। तो मैंने पूरा 1 मंथ ऐसे ही किया और फिर उसे समझ आने लग गया कि मुझे सुबह उठना है और मम्मा वहाँ पे लेके जाएगी, तो मुझे पॉटी, 9th मंथ से वो पॉटी सीट में पॉटी करने लग गया। इवनिंग में वो नहीं करता था। अब आपको अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके साइंस रीड करने होंगे कि किस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा एकदम साइलेंट हो गया, प्रेशर सा रिलीज, प्रेशर लगा रहा है और फाट मारने लग जाते हैं कभी कभी। तो इवान जब फाट करता था तो भी मैं उसे लेके चली जाती। मॉर्निंग में तो वो एकदम उसका रूटीन सेट हो गया था 9th मंथ से कि वो उसने पॉटी करनी है पॉटी सीट में। इवनिंग में कभी कभी होता था कि वो नहीं करता था। तो 10th मंथ से मैंने क्या करा, जब मैं उसे 3 मेजर मील देती थी, जब वो 3 टाइम्स ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करता था, उसके बाद मैं उसे लेके जाती थी पॉटी सीट में, क्योंकि बच्चे जब खाते तो भी उनका प्रेशर बन जाता है, मिल्क से भी बन जाता है प्रेशर। तो फीड के बाद तो मैं उसे मॉर्निंग में ही कराती थी, बट जब मैं 3 मेजर मील उसे देती थी तो खाना खाने के बाद मैं उसे लेके जाती थी पॉटी सीट में, तो क्या होता था कभी कभी उसका प्रेशर बन जाता था और कभी कभी वो फाट मारता था, तो भी मैं उसे लेके जाती थी। तो उसमें भी मुझे काफ़ी पता चल गया कि अब इसने खाना खाया तो ये पॉटी करेगा। तो होता भी ये था कि वो जब डाइपर में करता था तो भी मुझे समझ आ गया कि खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही कर लेता है। उसके साथ रहती थी तो मैं उसे जल्दी से उस लंच और डिनर के बाद लेके चली जाती थी पॉटी सीट में, लेके चली जाती थी। तो उससे क्या हुआ, वो 10th मंथ में इवनिंग में जो था वो भी, वो 11th मंथ तक मुझे सक्सेस हुई, उसे ट्रेंड हो गया था, वो पॉटी हमेशा पॉटी सीट में ही करने लग गया था और उसको जैसे ही मैं पॉटी सीट में बैठती थी उसका प्रेशर रिलीज हो जाता था, तो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड हो गया था। बात तो वैसे भी मैंने उसे काउ मिल्क देना है, जब भी मैं इवान को मॉर्निंग में उठता है वो काउ मिल्क देती हूँ तो उसके बाद उसका प्रेशर बन जाता है, विद इन 15 to 20 मिनट्स उसका प्रेशर बनता है, तो उसमें जल्दी से लेके जाती हूँ, वो पूप कर देता है। आज काफ़ी पता चल गया कि मॉर्निंग में तो उसे ऐसे ऐसे लेके जाना है काउ मिल्क आफ्टर काउ मिल्क। तो काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए, कभी बार उसने पजामे में भी करी, बट वो तो आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भी चाह रहे हो कि उसे पॉटी ट्रेन करना है तो थोड़ा बहुत, तो मैं पी ट्रेनिंग का बता रही हूँ। सोने का टाइम होता है तो सोने से पहले आप उसे वॉशरूम में लेके जाइए, तो सोने से पहले क्या करते हैं बच्चे पीपी करते ही करते हैं, डे टाइम पे भी देखना और नाइट में भी आप देख सकते हो, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है इवान के साथ। तो मैं जब भी उसे डे टाइम पे नैप के, जब भी मैं उसे सुलाने जाती हूँ डे टाइम पे, तो मैं उससे पहले उसे वॉशरूम लेके जाती हूँ, तो वो आराम से उसमें पीपी कर लेता है अच्छे से। उसके बाद जब वो उठता है सोने के बाद भी, बच्चे आफ्टरनून नैप के बाद प्लस नाइट में भी सोने के बाद उठते हैं, सबसे पहले पीपी करनी हो, तो पी ट्रेनिंग में तो मैंने यही किया कि इवान को सो के सुलाने से पहले मैं उसे लेके जाती थी और सुलाने के बाद जब वो उठ जाता है उसके बाद में उसे लेके, तो वहाँ पे वो करने लगे और मैं साउंड निकालती थी शी शी, तो इससे शी शी करके, अब तो वो मुझे बताने लग गया है और मुझसे, अब तो मुझे बताता है कि मम्मा मुझे शी आ रही है, शी शी बोलता है, तो दैट मीन्स कि मुझे उसको लेके जाना है पॉटी कराने या फिर शी शी करनी है या फिर पीपी कराने लेके जाना है, तो वो मुझे खुद से बताने लग गया है, तो जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कभी भी कहीं पे भी कर देते हैं। और अब तो उसे बिल्कुल डायपर पहनना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, क्योंकि उससे डायपर में होती ही नहीं है, वो डायपर भी अगर मैं उसे कहीं लेके गई, जैसे अभी मैं उसको कभी डांस क्लास लेके जाती हूँ डायपर पे, लास्ट वीक की बात है जब मैं उसे लेके गई डायपर में डांस क्लास, तो उसे वहाँ पे पीपी आ रही थी, तो कहता मम्मा शीशी, तो मैंने उसका जब डायपर खोला उसके बाद उसने वहाँ पे, उसके बाद उसने पीपी पास करी, यूरिन पास करी। तो गैस पर मैं करना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि डायपर फ्री रख देते हैं हम लोग, उसे अनकंफर्टेबल लगता है जब आप डायपर फ्री रखने लग जाते हो और खुद से बताने लग जाते हैं। जब आपको थोड़े स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इतनी जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे करना है, पर धीरे धीरे आप उनके साथ कोई राइम्स कर सकते हो, उन्हें एंगेज करने के लिए उनके सामने डांस कर सकते हो, बुक्स दे सकते हो। तो मैं तो इवान के सामने कई बार राइम्स गाती हूँ, डांस करती हूँ, स्टार्टिंग में राइम्स गाती थी, डांस करती थी उसके साथ, उसको एंगेज करने के लिए कि वो बैठा रहे वहाँ पे, अदरवाइज वो बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ फन एक्टिविटी कर सकते हो उनके उसके उस टाइम को आप उसे फन एक्टिविटी की तरह और उसे ऐसे एंगेज रख सकते हो कि बैठाना है आपको उसे, कच्चे ऐसे होते हैं कि वो बैठते ही नहीं है, तो ऐसे उनको एंगेज कर सकते हो आप। रात में भी इवान को अगर पीपी आती है तो मुझे उठ के बोलता है मम्मा शी, तो फिर उसे रात में भी लेके जाना पड़ता है, रात में भी, वो नाइट में भी अब डाइपर नहीं पहनता है। और इस तरीके से भी पता चल गया अच्छे से कि इवान अब प्रॉपर पी ट्रेंड और पॉटी ट्रेंड हो गया, क्योंकि लास्ट वीक जब उसे लूज मोशंस हुए थे तो उसने
लूज मोशंस होने के बाद भी एक दिन भी उसने पी करी ना ही मोशन किया, सुसु कुछ भी पजामे और डायपर में नहीं की। इवन मैं उसे डायपर पहनाती थी तब भी मम्मा शीशी, इवन पजामे में भी नहीं करता था शीशी बोल के, तो हम उसको सीट में लेके जाते थे। तो इस तरीके से ये 1 मंथ में ही मैंने उसे पी ट्रेन किया कि सुबह उठते ही मैं उसको लेके जाती थी पॉटी सीट में और मैं उसे पानी वानी पिला देती थी जूस पिलाने के बाद, फ्रूट्स खाने के बाद, तो उसके बाद और सोने से पहले, सोने के बाद। तो इस तरीके से मुझे समझ आने लग गया कि इस टाइम पे, और इवनिंग के टाइम पे वो ज़्यादा करता था पीपी, तो मुझे समझ आ गया कि 2-3 बार करता है इस टाइम पे। तो मैं 5:30 अराउंड लेके चले जाती थी। तो खुद से जब आप डायपर फ्री रखने लगते हो तो आपको थोड़ा सा टाइमिंग्स पता चलने लग जाती है कि अब ये पीपी करेगा और किस, क्या उसने डाइट ली है, लिक्विड्स अगर ज़्यादा लिया तो मतलब आप ज़्यादा करती है कि जब आप पॉटी सीट में लेके जाते हो और अगर वो पॉटी कर देते हैं फिर पीपी कर देते हैं तो उसके बाद आप उसके लिए क्लैप कर सकते हो, उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, अरे वाह वेरी गुड, काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह, और सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब फ्लश कर रहे हो तो उस टाइम पर उसको दिखाओ। वान के साथ, मेरे साथ जो वर्क किया मैंने, क्या किया वान को, जब मैं उसे पॉटी, जब जिस दिन वो पॉटी करता था या पीपी करता था तो मैं उसे हैंड वॉश कराती थी, तो उसे काफ़ी मज़ा आता था क्योंकि बच्चे को पानी से खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से भी आप उसमें बोल सकते हो। और जब 2+ हो जाते हैं टाइम पे तो सब अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, वो बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, उन्हें सब समझ में आने लग जाता है। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर, वो हमें समझने लग जाते हैं। तो मैं, ईजी हो जाता है उन्हें समझाना कि वहाँ पे अगर आप वहाँ पे करोगे, अपनी सीट में करोगे तो आपको हम पानी से खेलने देंगे, मज़ा आएगा इस तरीके से। तो इवान जब पूप कर देता है कभी कभी मैं उसे बाथ टाइम भी दे देती हूँ, पानी से खेलने भी देती हूँ थोड़ा, बट अब तो वो अच्छे से ट्रेंड हो गया तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही मुझे बोल देता है मम्मा शीशी आ रही है तो वहाँ पे ले जाओ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ज़रूरी नहीं कि ये टिप्स इवान के साथ वर्क करी तो आपके साथ भी, आप कुछ अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मैं ये वीडियो बना दे रही हूँ आप लोगों के लिए, जब वो उठेगा तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, इसलिए काफ़ी गैप हो जाता है मेरी वीडियो। अभी काफ़ी क्लिंगी हो गया है मम्मा से, वो छोड़ रहता नहीं है किसी के पास भी, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं बना पा रही हूँ वीडियो व्लॉग्स क्योंकि वो काफ़ी क्लिंगी है, और अगर मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ तो इवान को भी आना होता है और भी यूज़ करना होता है मम्मा का फ़ोन, इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डन, ओके, गुड बाय।